नहीं नहीं इट वॉज इट वॉज नॉट फॉर गेम इट वॉज नॉट फॉर गेम डेफिनेटली इट वॉज नॉट फॉर गेम अगर वो गेम के लिए होता तो शायद वो दिख जाता बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशंस हर एक चीज़ मैटर करता है यू you नो know, तो uh, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि uh, वो ल, ल, लव एंगल बनाया जा रहा था पर्पसली इट वॉज जस्ट हैपनिंग बिकॉज वी वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड या दैट्स इट देखिए पहली बात तो मुझे जिस गली जाना नहीं उस गली का नाम नहीं लेना है तो मैंने नहीं सोचा है इतना आगे तक कि झेलना पड़ेगा या ऐसा कुछ वो बिग बॉस के घन, बिग बॉस के घर के अंदर जो भी था वो वो घर के हिसाब से था कि हम लोग एक ही जगह में थे बंद थे तो एक दूसरे को देखते थे हमें अच्छा लगता था सो वी वर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर कभी कभी हो जाता है वो वो एक बहुत ही एक्सप्रेसिव इंसान है वो हर चीज़ हर इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करता है चाहे वो गुस्सा हो चाहे वो पागलपन हो चाहे वो उसका प्यार हो तो मुझे लगता है कि उसको प्यार की बहुत ज़रूरत है मतलब उसको नहीं मतलब ऐसे इंसान को जो बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को लेके एक्सप्रेसिव होते हैं मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही थी यू you नो know? एक तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब थी अपना न, मेंटल हेल्थ को लेके और फिर लोगों ने भी आ, बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था मुझे और अभिषेक को लेके तो वो सारी बातें मुझसे नहीं सुनी जा रही थी इसलिए मतलब मैं कॉन्शियस थी कि पता नहीं वो क्या लग रहा होगा बाहर मतलब मेरी फैमिली भी है पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे आ, मैं नेगेटिव लग रही हूँ या पॉजिटिव लग रही हूँ